नमस्कार दोस्तों, फूड हंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने प्याज के भजिए तो खाए होंगे, जिसे हम मुंबई में कांदा भजिया कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम कांदा भजिया कैसा बनाते हैं और इसमें कितनी मेहनत लगती है, आज हम आपको यही बताएंगे। तो चलते हैं पहले प्याज की कटिंग करने। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहले प्याज कट कर रहे हैं। इसी तरह से हम एक एक कर सारे प्याजों को अच्छे से काट लेंगे। तो दोस्तों, प्याज कटिंग करने के बाद हम थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट लेंगे, ताकि प्याज में उसे मिक्स कर लिया जाए अच्छे से। तो दोस्तों, अब हमारा प्याज और हरी मिर्च पूरी तरह से कट चुकी है। अब हम चलते हैं इसे पूरी तरह से मिलाने। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याज को हम तब तक ले मिलाएंगे और अलग करेंगे जब तक ले कि इसमें से पानी ना निकले। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याज में से पानी निकलना शुरू हो गया है। इसे हमने काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी अच्छी तरह से मैश किया है। अब हम चलते हैं बेसन को छानने। तो दोस्तों, बेसन को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। हमारा बेसन छानकर हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। दोस्तों, प्याज और बेसन को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसे तब तक ले मिक्स करेंगे जब तक ले ये पानी ना छोड़ दे। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग, और थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमने पानी का बहुत ही कम, हल्का सा, या यूं कहें कि मुश्किल से 10 ml पानी हमने इस्तेमाल किया है। इसी बीच हमारी कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है, क्यों ना हम हरी धनिया ही काट लें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, हरी धनिया जो है हम अच्छी तरह से बारीक बारीक काट रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा तेल तैयार हो गया है, पूरी तरह से गर्म हो गया है। तब तक हम चलते हैं हरी धनिया को कांदे के मसाले में मिलाने। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप कि हमने पूरी तरह से मिला दिया है प्याज को। अब हम भजिया तलने चले। तो दोस्तों, एक एक कर हम थोड़ा थोड़ा भजिया तलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा प्याज का भजिया, जिसे हम कांदा भजिया कहते हैं, वो धीरे धीरे धीमी आंच पे ब्राउन हो रहा है। दोस्तों, इसे बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा कांदा भजिया तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, हमारा कांदा भजिया तैयार हो गया है और अब हम चलते हैं इसे परोसने। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा कांदा भजिया किस तरह से एकदम ब्राउन, लाल लाल और गरम गरम बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप इसे सॉस, टमाटर की चटनी या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी परोसकर खा सकते हैं।